नमस्कार श्रोतागण, मैं पूजा कुमारी आप सभी का एंसेंबल दैनिक समाचार विश्लेषण में स्वागत करती हूँ। आज के चर्चा का विषय कुछ इस प्रकार है, पहला लून परियोजना, दूसरा भारत में सरोगेसी, तीसरा सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बना है। शुरुआत करते हैं लून परियोजना से। लून परियोजना और ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के मिशन के साथ एक्सिस पूर्व में गूगल एक्स द्वारा विकसित एक शोध और विकास परियोजना है। उद्देश्य इस प्रणाली का लक्ष्य है कि मौजूद प्रावधानों द्वारा खराब और परोक्ष रूप से पेश किए जाने वाले दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का उपयोग करना और प्रभावित क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संचार में सुधार करना। यह काम कुछ इस प्रकार है, यह परियोजना 4G LTE गति के साथ एक हवाई वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेयर में उस उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे का उपयोग करती है। वांछित गति और दिशा के साथ हवा की परत की पहचान करने के बाद गुब्बारे को हवा की परत पर तैरने के लिए तैयार किया जाता है। सेवा के उपयोगकर्ता अपनी इमारत से जुड़ी एक विशेष इंटरनेट एंटीना का उपयोग करके गुब्बारे नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यह संकेत गुब्बारे गुब्बारे से गुब्बारे तक यात्रा करते हैं, फिर एक इंटरनेट सेवा प्रदाता में जुड़े एक ग्राउंड अधिकतर स्टेशन तक जाता है, फिर व्यावसायिक इंटरनेट पर। गुब्बारे पैच एंटीना का उपयोग करते हैं जो दिशात्मक एंटीना है। ग्राउंड स्टेशन या LTE उपयोगताओं के लिए संकेत प्रेषित करने के लिए गूगल सिम कार्ड के साथ कुछ स्मार्टफोन गूगल इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार है, प्रोजेक्ट में प्रयुक्त गुब्बारे लिफाफे रेवन एरो स्टार द्वारा बनाई गई हैं और पॉलीनिथियम प्लास्टिक से बने हैं। फुलाए गुब्बारे हिलेनियम से भरने वाले सुपर प्रेशर बुलबुले हैं। वे कस्टम एयर पंप सिस्टम को कोर कर देते हैं जो कि हवा में पंपों को गुब्बारों को ब्लास्ट करने और उसकी ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए जारी करता है। एक बॉक्स में सर्किट बोर्ड होते हैं जो कि सिस्टम रेडियो एंटीना के साथ संवाद करने के लिए सिस्टम रेडियो एंटीना और इक्विटी रॉकेट M2 को नियंत्रित करता है और बैटरी और सौर ऊर्जा की दुकान करने के लिए होती है ताकि गुब्बारे रात के समय काम कर सके। पर्याप्त गुब्बारे की इलेक्ट्रॉनिक 100 वाट शक्ति के उपदान के सौर प्लानों के एक श्रेणी से संचालित होती है। गुब्बारे स्वचालित निर्भर नागरिणी के सुरक्षित है प्रशासन और इस तरह कॉल साइन HBAL के साथ सार्वजनिक रूप से ट्रैक किए जा सकते हैं अन्य गुब्बारे के साथ। पृथ्वी पर लून परियोजना का प्रभाव। अगर किसी परियोजना के सभी तंत्रों की योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति मीडिया के किसी भी रूप में ऑनलाइन खोज कर पाएगा। तीसरी दुनिया के दूरस्थ किनारे वाले किसान कई तकनीकियों की खोज और विश्लेषण करने के समक्ष होंगे। दुनिया भर के लोगों के बीच सहयोग इंटरनेट माध्यम से एक दूसरे के लिए लगातार कनेक्टिविटी के साथ बहुत आसान हो जाएगा, नया और जटिल परियोजना की अनुमति देगा। गूगल लून परियोजना की चुनौतियां। मूल बिंदु, गूगल को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि कैसे इस परियोजना को कम धनवत आर्थिक रूप से संकुचित क्षेत्रों के लिए आर्थिक रूप में व्यवहारिक बना दिया जाए। पावर वेटेज, लून परियोजना सिस्टम वातावरण में 100 वाट तैयार करने के लिए सेट कर रहे हैं।
परिचलन बांधाएं। अनुचित गुब्बारे पदों पर उचित रूप से मंचित्रण करने के लिए को विकसित करना, खराब मौसम से निपारने और गौर संसाधन हिलेनियम पर निर्भर होने की चिंता को संबोधित करना अन्य चुनौती के बीच। अब आते हैं भारत में सरोगेसी। भारत में सरोगेसी, सरोगेसी यानी किराए की कोख। जो महिला मां नहीं बन सकती, सरोगेसी उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। सरोगेसी की जरूरत उस समय पड़ती है जब कोई महिला किसी भी कारणवश गर्भ धारण नहीं कर सकती है या गर्भाशय में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है। ऐसे में सरोगेसी जरिए बच्चा आ सकता है। सरोगेसी तंत्र, सरोगेसी मुख्यतः दो तरह के होते हैं, वाणिज्य सरोगेसी पैसों के लेन देन के साथ, विशेषकर विदेशियों के मामले में निषिद्धापद सरोगेसी वाणिज्य सरोगेसी कहलाती है। अविस्तक सरोगेसी, जिसमें चिकित्सा और अन्य उचित खर्चों के प्रतिपूर्ति से अधिक मुआवजा प्राप्त नहीं करता है। सरोगेसी के प्रकार, पारंपरिक सरोगेसी, इस प्रक्रिया में सरोगेट मां गर्भ में पिता बनाने के इच्छुक पुरुष सुगरुणों को सरोगेट महिला के अंडाणुओं को साथ फर्टिलाइज किया जाता है। गर्भकालीन सरोगेसी, जिसमें आईवीपी तकनीकी द्वारा बनाए गए भ्रूण को किसी अन्य महिला के कोख में प्रायप्रित किया जाता है। भारत में सरोगेसी, भारत में दुनिया एक तिहाई गरीब रहते हैं और विदेशी जोड़े के द्वारा रुपए देने के कारण ग्रामीण गरीब महिलाओं का इस ओर रुझान था। भारत एक तरह से सरोगेसी का केंद्र बना गया था। 2016 से पहले भारत में सरोगेट मां बनाना आसान था। सरोगेसी के नाम पर होने वाले व्यापार एवं नियंत्रित चीजों को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्पना मंत्री ने सरोगेसी नियमों का बिल 2016 में प्रस्तुत किया। विधेयक के पहलुओं की चर्चा। यह विधेयक वाणिज्य सरोगेसी पर रोक लगाता है। सरोगेसी के लिए दाम्पति के पास भारतीय नागरिकता तथा शादी का प्रमाण पत्र रहना चाहिए, जिससे यह प्रमाण पत्र हो कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। महिला की आयु 25 से 50 तक, पुरुष की आयु 26 से 55 तक होनी चाहिए। दाम्पति को कोई जीवित बच्चे नहीं होनी चाहिए, किंतु अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं है तो वह इसमें शामिल नहीं होगा। एक प्रमाण पत्र जिसमें दाम्पत्य जोड़े में एक सदस्य का झपड़न होना प्रमाणित होता है और किराए के मां के लिए एक बीमा और सरोगेट बच्चे के हित के आदेश शामिल हो वह करना आवश्यक है। सरोगेट मां बनने के लिए जरूरी बातें। इच्छुक जोड़े को करीबी रिश्तेदार होना आवश्यक है। अपने खुद का एक बच्चा होने के पश्चात ही वह सरोगेट मां बन सकती हैं। उनकी आयु 25 से 35 साल की होनी चाहिए। कोई भी महिला अपने जीवन काल में एक बार सरोगेट मां बन सकती हैं। सरोगेट मां बनने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। नए विधेयक से लाभ। इस विधेयक
के कारण सरोगेसी की प्रक्रिया लंबी तथा कानूनी हो गई है, जिससे उनके अनाथ आश्रम के बच्चों को नए घर मिलने की आशा हो गई, गोद लेने की संख्या में वृद्धि हो गई। विदेशियों द्वारा पहले ग्रामीण महिलाओं को सरोगेसी के नाम पर शोषण होता था, वह इस विधेयक के परिणाम स्वरूप कम होगा। विधेयक बिल शोषण के लिए दंडों को भी नियमित कर दिया गया है, जैसे व्यावसायिक सरोगेसी या सरोगेसी से शोषण या मानव भ्रूण की बिक्री या कार्य 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है तथा 10 साल की सजा भी दी जा सकती है। यहां सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बना है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र के लोगों को सामाजिक बहिष्कार बिल 2016 महाराष्ट्र निषेध के प्रति अपनी स्वीकृति दी। इस अधिनियम में एक से अधिक कार्य कार्रवाइयों की सूची दी गई है जो कि सामाजिक बहिष्कार के लिए हो सकता है, जिसमें अपराधियों को 3 साल तक जेल या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है या दोनों अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। सामाजिक बहिष्कार के मुकदों पर कानूनों ने मानव अधिकारियों को अन्य नियमों का मान्यता दी, साथ ही साथ समाज में विभिन्न रूपों में एक जाति आधारित में होता है या नैतिकता समाज स्वीकृति राजनीति झुकाव और एक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है या लोगों का एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनने या किसी विशेष भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करके सांस्कृतिक अवरोध पैदा करते हैं। भारत में अन्य और समानता रूपों महाराष्ट्र में जाति पंचायत, हरियाणा में खफ पंचायत से जाना जाता है, जो कि नागरिकों की सजा देने के लिए सामाजिक बहिष्कार का उपयोग करता है, जो कि परंपरागत सामाजिक पदोनुक्रम और बहिष्कार के लिए प्रोपर को खारिज करता है। उच्च जाति की स्थिति का रक्षा के लिए आर्थिकृति नियमित परिषद बनाई गई है, इसलिए यह समानता और गौर भेदभाव के सिद्धांतों का अभ्यास नहीं किया जाता है। नियमोकताओं को इस नियमों को मोड़न और सजा को समाप्त करना आसान पाया गया। महाराष्ट्र में पहला भारतीय राज्य बनने का कदम उठाया है जो सामाजिक बहिष्कार को पूर्ण रूप से अपराध में मान्यता दिया गया है। धन्यवाद।